ठीक है, आज का काम खत्म करने का समय आ गया। आज मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले जाके मैं अपना प्यारा तालाब देखूंगा। हाँ, आज मैं यही करूँगा। वाह, मैंने पहले जैसा देखा था उससे भी बेहतर दिख रहा है। वाह, वो क्या चीज है? हाँ, वो यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, बिन बुलाए मेहमान लगता है मेरे को। आज मैं इसे पानी में डुबो दूंगा। अरे मैं इसे डुबो क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या, मेरे जैसा बहादुर मेंढक इस छोटी सी चीज को पानी में डुबो नहीं पा रहे, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। क्या मेरा वजन थोड़ा कम हो गया? वो भी मुझे पता लगे बिना। देखते हैं, लगता है मैं थोड़ा कम खा रहा हूँ। ठीक है, फिर समय आ गया कि मैं अपना वजन बढ़ाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे तालाब में ऐसे ही आकर तुम मुझसे बच नहीं सकते। रुको, मैं अभी आता हूँ। भूख लगी है। मुझे अपना पेट भर लेना चाहिए, जो मिले उसी से। मुझे मोटा होना ही है, मैं और खाता हूँ। मैं जितना मोटा होऊंगा उतना ताकतवर होऊंगा। बाजी भी, तुम दूर रहना उससे। मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम जानते हो वो क्या चीज है? और जो बेवकूफ मत बनो, ये हम सबका तालाब है। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अजीब से दिखने वाली पत्ती दिखी। एक अजीब दिखने वाली पत्ती? हाँ। हे जो, ये देखो, ये है वो पत्ती। बाटल, ये मुझे पता था। हाँ, ये बहुत अजीब सी दिखने वाली पत्ती है। तुम्हें पता है बाटल, मैं अपना वजन बढ़ा रहा हूँ और जल्दी मैं उस अजीब सी पत्ती को वापस वहाँ भेज दूंगा जहाँ से वो आया। क्या? तो तुम ये मुझ पे छोड़ दो और अपने आप को तालाब से दूर रखो, समझे? हे जो, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि इस पत्ती को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बड़ी वाटर लिली। ये देखने में भले ही छोटी हो पर बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। क्या, ये पत्ती बड़ी हो जाती है? चलो भी बाटल, क्या तुम्हें लगता है तुम जो कह रहे हो वो मैं मान लूं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, समझ गए? ओ नहीं, शायद मैं तुम्हें ना मना पाऊं पर ये पत्ती तुम्हें जरूर मनाएगी। मैं एक बड़े भालू जितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस पत्ते को सबक सिखाने के लिए। या, अब उस पत्ते को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, आओ आओ, ये तो फिर से और बड़ी हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे डुबो डुबो के मार दूंगा। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्या समझता है तू? मेरे तलब से हट जा, वरना मैं तुझे। अरे मैं इससे लड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे जो, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि इस पत्ती को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बड़ी वाटर लिली। ये देखने में भले ही छोटी हो पर बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। आओ, मुझे इसका बढ़ना रोकना होगा। मैं जल्दी से कुछ सोचता हूँ, नहीं तो मैं अपना तालाब खो दूंगा। मैं क्या करूँ? अरे मैं क्या करूँ रे बाबा? आओ, बदमाश पत्थर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मेरा नाम है जो करो कर, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे बाप रे, मर गया, मेरे पैर का गया। वाह, हाँ मिल गया। मैं इन पत्थरों से उस पत्ती को डुबो दूंगा। या, या, ये लो, मैं तुम्हें और एक दिया। या, ये लो, फिर से एक लो। या, 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 आ, आ, ये डूबता क्यों नहीं? तुम डूबता क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पत्ती पानी में डूब क्यों नहीं रही? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें डूबो के रहूंगा।
डूब जा रे बाबा, यार डूब नहीं रहा, डूब जा, यार क्यों नहीं डूब रहा है, मैं मर जाऊंगा। मिल गया, मेरे को एक मस्त आइडिया मिल गया। अब बस मेरे को गड्ढा खोदना है, फिर हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हारा एक टुकड़ा करता हूँ। वाह मजा आ गया। अरे ये तो फिर भी नहीं डूब रहा। अब मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारे और टुकड़े करता हूँ। ऐसे ही तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूंगा और खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। क्या ये आखिर हुआ क्या है? ये तो बड़ी वाटर लिली के पत्ते के टुकड़े हैं। बहुत अजीब है। चॉक क्रॉकर जरूर इसीलिए किया होगा। आओ जाओ, उठो और जाओ। ए, बड़ी वाटर लिली पूरी तरह कट चुकी है। मुझे बताओ कि ये तुमने किया है? कुछ बोलो। जाओ 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 परेशान मत करो। बॉसमो मैंने तुम्हें कहा था मेरे पेट के ऊपर कूदा मत करो। क्यों क्रॉकर, मैं पागल भी हूँ। बॉसमो नहीं। ओह पागल भी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बड़ी वाटर लिली के टुकड़े वहाँ तैरते हुए देखे और मुझे जानना है कि वो किसने किया। वो तो मैंने किया पागल भी। पर तुमने ऐसा किया है क्यों? क्योंकि वो मैंने तालाब में आ गई थी और बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी। अपने तालाब के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। पहले मैंने उस पर पत्थर डाल के देखा, फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद मेरे चालाक दिमाग ने मुझे कहा कि उसके और छोटे छोटे टुकड़े किए जाए। उसके बाद तो मैं काम तमाम कर दिया उसका। ये देखो, वाह मजा आ गया। अरे बाप रे, मैं जीत गया, मेरा तालाब बचा लिया। बड़ी वाटर लिली ने मुझे हैरान कर दिया, पत्थर भी इसे नहीं डुबा पाए। मैं समझ गया, इसी छेद की वजह से ये तैर पा रही है और डूब नहीं रही। हवा के लिए छेद। तुम सही हो बटल। वाह, तो ये सारे छोटे छोटे छेद लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं। क्या बात है। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि मैं इसे क्यों डुबो नहीं पा रहा था। अब मैं इसके टुकड़े कर लेता हूँ और तालाब को सुरक्षित करता हूँ। क्या जो हो ये काम नहीं करेगा, वो फिर से उग जाएगी। देखो जड़े बरकरार है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने पहले इस पत्ती को टुकड़ों में काट दिया था, इसलिए फिर से उग नहीं सकता। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, क्या कहते हो? मुझे अपने तालाब को साफ किए हुए 4 दिन हो गए। अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए और देख के आना चाहिए। हाँ सही रहेगा, और मेरे सारे खास और सुंदर लोटस वहाँ पे खिल रहे होंगे। वाह, मैं अभी से बहुत खुश हो रहा हूँ। अब और इंतजार नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे इतनी सारी वाटर लिलीज कहाँ से आ गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पागलपन है। मेरे तालाब से बाहर निकलो, मेरे तालाब से बाहर जाओ, बाहर निकलो तुम लोग, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, बाहर निकलो मेरे तालाब से। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि वाटर